तुम्हें जाने दूंगा मैं। मदद कर या अल्लाह, मदद। रुक जाओ। सलीबियों पर हमला हुआ है। किसने जुर्रत की? उन्हें मार क्यों नहीं डाला तुमने? हम देर से पहुंचे थे वहां। क्या मतलब देर से क्यों पहुंचे थे? शायद हमारी कीमत वसूल करने का इरादा था, क्योंकि मेरे बाबा ताजर हैं, इसीलिए अगवा किया था उन्होंने। सुलेमान, दस्तरखान लग गया है, तशरीफ ले आइए। दुनदार, तुम्हारी पसंद का खाना है, आ जाओ जल्दी से। काम निपटा लूं वालिदा, आता हूं अभी। जीते रहो मेरे प्यारे फरजन, अपने काम को अहमियत देना कामयाब लोगों की निशानी है। सलजान जी वालदा, गुड़ भी रखो दस्तरखान पे। जी अभी रखती हूं। अरे कहाँ रह गया गुंदोग दू? वो चरवाहों के पास गए थे, आते ही होंगे अभी। एक और रकाब लेकर आओ सुंगर तकिन के लिए। मैं चाहती हूँ कि जब भी वो वापस आए तो जान ले कि हम उसे भूले नहीं हैं। अरे कहाँ रह गया ये गुंदोगदू? अभी आ जाएंगे वालदा, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वाह, इस बार बड़ा शिकार किया है तुमने। आपसे ही सीखा सब। माशाल्लाह अच्छी किस्मत पाई है तुमने। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं आजकल। हर मुश्किल का रुख तुम्हारी तरफ हो जाता है। वो बेचारे मुश्किल में थे उस वक्त, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। कौन है, कहां से ताल्लुक है उनका? तिजारत करता है वो आदमी, सलीबियों की कैद में था। वो सलेबी जरूर किसी बड़े गिरजे के होंगे, क्योंकि आम गिरजे के सलेबी कैदियों को इस तरह सलजूक में लेकर नहीं घूम सकते। यानी मेरा मतलब है कि सलजूक को हमें इन कैदियों के बारे में बताना चाहिए। क्या जरूरत है बताने की उनको? देर या सवेर इन कैदियों के बारे में खबर फैल जाएगी और हम मुश्किल में आ जाएंगे अर्थरुल। तो मैं क्या करता उस वक्त? कोई और रास्ता था मेरे पास? बहस खत्म करो, उनकी खातिर मदारत में कमी नहीं होनी चाहिए। हम निपट लेंगे आने वाले वक्त से। ठीक हो जाएंगे, अब कोई खतरा नहीं है। अंदर आ सकता हूं? तशरीफ लाइए। कुछ बेहतरी है? पहले से काफी बेहतर है इनकी तबीयत। इजाजत दीजिए। आओ आइकिस, आइकिस तुर्गुत की नस्बत तय है इससे। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा आप। जी शुक्रिया, हम पहले ही आपके एहसानों तले दबे हैं। क्यों ऐसा कह रही हैं आप? आप हमारी मेहमान हैं, आपके लिए हुजरा तैयार कर दिया गया है, चाहे तो आराम कर लें।
मुझे बाबा के पास ही रहने दीजिए। बहुत थक गई हैं आप, कल इन्हें होश आ जाएगा तो आपकी जरूरत ज्यादा होगी इन्हें। परेशान मत हो, मैं यहां हूं उनके पास। अरे सुलेमान, आपका जख्म तो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत मसाइल है जिंदगी में, कि छोटा सा जख्म क्या बिगाड़ लेगा। अगर मेरा कहा मान लेते और सही वक्त पे इसका इलाज करवा लेते तो ये घाव इतना रिश्ता नहीं। सांप पहले हमारे कबीले से दूर रहते थे, लेकिन अब कबीले के अंदर मौजूद हैं और ताक में बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और डस ले हमें। इस जख्म को मैं अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता, और बेहतर होगा कि तुम भी किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुश्मन हमारी कमजोरी से फायदा उठाए। आप ये जख्म हकीम को क्यों नहीं दिखा रहे? दिखा चुका हूँ हाइमा, दिखा चुका हूँ। जबी तो वो मेरे लिए मरहम बना रहा है, अल्लाह ने बहुत शफा दी है उसके हाथ में। क्या हुआ, क्या आप भी उन कैदियों की वजह से परेशान हैं? बिल्कुल, मुझे उनकी फिक्र है, कौन है और कहां से आए हैं वो। हाइमा, ये निशान किस कबीले का है? काई कबीले का जनाब। काई कबीला? सुलेमान शाह का काम लगता है ये। क्या वो चरवाहा सलजुक की रियासत से टकराएगा? लिबास तब्दील कर लिया आपने? जी कर लिया। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है।
कैसी लग रही हूं मैं? अरे वाह, ये लिबास तो बहुत जच रहा है तुम पर हलीमा। तुम तो किसी महल की शहजादी लग रही हो। क्या हुआ, क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? अरे नहीं, मुझे बस तारीफ सुनने की आदत नहीं है अपनी। रुको, एक चीज की कमी रह गई। तुर्कुत लेकर आया था ये मेरे लिए। अरे तो फिर इसे मुझे तो नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए, तुम पर तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाओ जरा, जच रहा है। शादी हो गई तुम्हारी? बस दुआ करो हिजरत हो जाए यहाँ से, इंशाल्लाह उसके बाद हो जाएगी शादी। आई किस, तुम्हारे लिए एक सिपाही की बीवी बनने में मुश्किल नहीं होगी? अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो कोई मुश्किल नहीं होगी मेरे लिए। बस अल्लाह उसे हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर मुसीबत से बचाए। तुम्हारे बाल बांधूं अगर कहो तो? हाँ मैं बांध लूंगी। क्या तुम्हें कोई पसंद है? वालिदा के फौत होने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बाबा और छोटे भाई का ख्याल रखना अवलीन तरजीह है मेरी। और मुझसे शादी कौन करेगा? ऐसा क्या है मुझमें? अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम इतनी हसीन हो, देखना तुम्हें बहुत जल्द एक दिलो जान से चाहने वाला मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं झूठी तारीफ कर रही हूं तुम्हारी? रुको जरा। देखो इसमें, ये तो स्टेटस का भाई लगता है मुझे। ठीक कहा आपने, बिसोल। इन सब लाशों को भिजवाओ उन्हें। अब हमें टाइटस से भी निपटना होगा। आलीजा, आलीजा ये मिला है हमें। ये निशान किस कबीले का है? काई कबीले का जनाब। काई कबीला? सुलेमान शाह का काम लगता है ये। क्या वो चरवाहा सलजुक की रियासत से टकराएगा? आपको सुबह खैर अर्तुरुल। तुम्हें भी सुबह खैर। आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी मैं। जहमत की बिला वजह तुमने। मेहमान कैसे हैं? ठीक है, जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए और वो मजीद किसी मुश्किल का बाइस ना बने। मैं अभी आती हूँ। ठीक है आयगज। बाबा कैसे हैं अर्तुरुल साहब? ठीक है, बेहतर है। तुम अंदर जाकर इत्मीनान कर लो, हरारत कम हुई है उनकी, शाम तक बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखा तुमने उस लड़की को? उसने तो अर्तुरुल पे जैसे जादू कर दिया है, तुम बस ख्वाब ही देखती रह जाओगी। चलता हूं मैं। रात सुकून से गुजरी? एक अरसे के बाद इतने सुकून से सोई हूं मैं। उन लोगों के बारे में कुछ पूछ सकता हूं मैं? पूछिए। कौन थे वो लोग? वो यरूशलेम के लिए लड़ते हैं। बहुत जोम है उन्हें अपनी ताकत का। उनका मकसद सिर्फ यरूशलेम का बदला लेना है। तो उनके बदले से तुम्हारी कैद का क्या ताल्लुक है? सलजुकों की अमलदारी में है ये इलाका।
हाँ क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी है हलीमा? बिल्कुल नहीं। सलजुक सल्तनत से हमें क्या परेशानी हो सकती है? रुमाल देना। जी अभी लाई। आ क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं बाबा, बस नजर नहीं आया। अच्छा तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? लगता है मेरी बच्ची ने दिल में कोई बात छुपा रखी है। कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था बाबा, उदास हूं मैं। क्यों उदास है मेरी बच्ची? तुर्गुत से शादी होनी थी मेरी हिजरत के बाद, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। सरमा का मौसम आ रहा है और हमें अभी तक नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। समझ गया, तुम बिल्कुल अपनी मरहूमा माँ की तरह बेसब्री हो। हम पहाड़ों के दरमियान मुश्किल और दुश्वार जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा कबीला बड़ा है, इसीलिए जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। सुलेमान शाह से कोशिश करूंगा बात करने की। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह। चलो अब चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए हमें। मैं अपनी बच्ची को उदास नहीं देख सकता। जिरगा शुरू होने वाला है कुर्दोगलू, मगर किसी को नहीं मालूम कि क्या करना है। देखा जाएगा क्या करना है। कुर्दोगलू, पहाड़ खामोश हैं और झरने भी जम चुके हैं, बारिश के कोई आसार नहीं। तहत साली में फंस चुके हैं हम। अगर जल्द हमने कोई फैसला ना किया तो सब कुछ फना हो जाएगा। तो फिर क्या फैसला करना चाहिए हमें? फैसला करने के लिए सलाहियत भी होनी चाहिए, और तुम में सलाहियत मौजूद है, तुम फैसला कर सकते हो। सुलेमान शाह बूढ़ा हो चुका है, उसमें फैसला करने की अब कोई सलाहियत मौजूद नहीं। ये हकीकत है कुर्दोगलू, एक तल्ख हकीकत। हमें जल्द फैसला करना होगा। वालिदा, मुझे दरअसल कुछ जड़ी बूटियां लेनी थी हकीम से। वो है नहीं। कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए मुझे बता दें। अरे नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मेहमान है हमारी नौमान अफंदी की साहबजादी हलीमा। हाँ बेटा, मैं खुशामदीद कहती हूँ तुम्हें। तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? ठीक है, शुक्र है। अल्लाह शिफा अदा करे जल्द। इसको अपना ही कबीला समझो बेटी, किसी चीज की भी जरूरत हो बता देना हमें, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। जमीन के ऊपर नहीं और ना ही हवाओं में, बल्कि तमाम ईमान वालों के दिलों में उस बुजुर्ग बरतर की तारीफ जो रहमान और रहीम है और तमाम जहानों का पालने वाला है। नील आसमानों और समंदर की गहराइयों के दरमियान हमारी जान, हमारा कबीला, हमारा घर, हमारा खानदान, हमारी औलाद, हमारा इत्तहाद और हमारी आज़ादी का वही मालिक है और वही हामी और नासिर है। हमारी दुआ है कि हमें सुलेमान शाह का अदल हमेशा नसीब हो। आमीन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो हमारा खालिक और तमाम जहानों का मालिक है, वही है जो पूरी कायनात को चला रहा है। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी शुक्रिया। मोहतरम साहिबान, मैं आप तमाम हजरात को खुशामदीद कहता हूं कबीले में।
अल्लाह के करम से मैं आपको इतला देना चाहता हूँ कि इस बार हमारी तिजारत बहुत अच्छी रही है। एक ताजर ने अच्छी कीमत लगाई है हमारे माल की, इसलिए हमें सफर का इरादा तर्क कर देना चाहिए। इतने सारे मसाइल कैसे हल होंगे सरदार? हमारे रेवड़ के लिए चारा गायें भी खत्म हो गई हैं और पानी का भी मसला है। हमारी बकरियां भी दूध नहीं दे रही हैं। कहत साली ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। मुझे हालात का इल्म है बखूबी और हमने तमाम कबाइल को पैगाम भिजवा दिया है, लेकिन वहां भी कहत है। तुर्क कबाइल भी मंगोलों के डर से नकल मकानी पे मजबूर है। हर तरफ मुश्किल हालात है। क्या अब हमें खून खराबा करके कहत साली का मुकाबला करना पड़ेगा? अल्लाह के खजाने बेहिसाब है सरदार। हमें इस जगह रहते बहुत अरसा हो गया मगर हालात में बेहतरी नहीं आई। हमें कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले अपने कबीले के बारे में सोचना चाहिए। हमें बेहतर वसाइल और चारागाहों की खोज में निकलने की जरूरत है। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, हमें उसकी जात पर पूरा भरोसा होना चाहिए। वो सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। उसकी रहमत से मायूस होना गुनाह है। हमने बहुत सब्र कर लिया। सबर के साथ कोशिश भी करनी पड़ती है। हमारी नस्लें खुले आसमान तले पड़ी हैं। हम कब तक ऐसे बेयारो मददगार रहेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए कि तुम बेयारो मददगार हो? हर चीज जरूरत की मौजूद है यहाँ। माजरत चाहता हूँ सरदार, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरे सरदार, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अजीम रहनुमा हैं, लेकिन हम भी अपने कबीले की बेहतरी के लिए अच्छा ही सोचेंगे। सरदार, हमारी सलाह है कि हमें यहाँ से हिजरत करके कहीं और जाना चाहिए। कहाँ? किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर हरियाली हो। अपने अजदाद की जमीन की तरफ जाना चाहिए। सुनने में आया है कि मंगोलों की ताकत कम हो चुकी है। ये झूठी खबर है। मंगोलों की ताकत आज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस मसले का कोई तो हल होगा सरदार। हलब। क्योंकि हलब का अमीर अल अजीज सलेबियों के खिलाफ अपना लश्कर तैयार कर रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम भतीजे? मेरा मशवरा है कि अल अजीज के पास हमें सफीर भेजना होगा जो जाकर उसको हमारा पैगाम दे कि वो हमें पनाह दे और उसके बदले में हम उसे हथियार और जंगजू दें। हमारा हदफ सलेबियों को पसपा करना है। इस तरह हम कैद से भी बच जाएंगे और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी। हलब। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी सलाह है। जल्दी के फैसले हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं। माफी चाहता हूं मैं। गंदूक दो की राय कबूल है आप सबको? जी बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल कबूल है। मुझे भी माकूल लगती है। ये अच्छा फैसला होगा इंशाअल्लाह। आप अजीज के पास सफीर बनाकर किसे भेजेंगे? तुम्हारे सिपाहियों ने एक सिफारती काफले पर अचानक हमला करके उन्हें मार दिया और यहीं पर बस नहीं किया बल्कि वो सुल्तान के कैदियों को उठाकर अपने साथ लेकर आ गए। मुझे वो कैदी वापस चाहिए। सुल्तान का सबसे अहम आदमी उमर। अब तमाम मुसलमान रियासतों में इंतकाम की आग खूब भड़केगी। अर्तुरुल,
सुलेमान शाह, तुम्हारे कबीले के सिपाहियों ने हमारे वकार को ठेस पहुंचाई है। उसका वकार मेरे लिए बाईस इज्जत है जिसने मेरे कबीले को रहने की जगह दी है। मेरे सिपाहियों ने सुल्तान अलाउद्दीन के वकार को कैसे ठेस पहुंचाई है तफसील बताओ हमें। इस कुल्हाड़े पर तुम्हारे कबीले का निशान बना हुआ है। कुल्हाड़ा भूल आए थे क्या तुम? हाँ हो सकता है। तुम्हारे सिपाहियों ने एक सिफारती काफिले पर अचानक हमला करके उन्हें मार दिया और यहीं पर बस नहीं किया बल्कि वो सुल्तान के कैदियों को उठाकर अपने साथ लेकर आ गए। मुझे वो कैदी वापस चाहिए। तुम शायद हमारे कबीले की रवायात से वाकिफ नहीं हो। हम अपने मेहमानों को यरगमान नहीं बनने देते, खासकर जब उन पे जुल्म हो रहा हो। मेरे अल्फाज सलजुक के सुल्तान के अल्फाज हैं, याद रखना। तुम जिस तरह तुम सुल्तान का हुक्म मानते हो बिल्कुल उसी तरह मेरा हुक्म मानना होगा, वरना नताइज की जिम्मेदारी तुम पर होगी सुलेमान शाह। मैं अपने कबीले की इज्जत की कसम खाता हूँ करतोयकर, किसी मजलूम को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। सुल्तान रियासत का हाकिम जरूर है लेकिन वो भी अपने आबाओ अजदाद की रवायात को फौकियत देता है। हमारी नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं। जो अपनी रवायात का पास भी न रख सके, तुम्हें सलजुक के सालार की हैसियत से ये बात मालूम होनी चाहिए। जा सकते हो अब तुम करतोयकर, जाओ अब यहाँ से। याद रखना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम सुलेमान शाह। दो दिन का वक्त है तुम्हारे पास। अगर कैदी वापस ना किए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर हमारे कैदी वापस ना किए तो हम खुद भी वापस लेना जानते हैं। मेरी बात याद रखना। ये क्या कर दिया बाबा ने, समझाइए उनको। बहुत भयानक अंजाम होगा इस फैसले का। मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। हमारी बर्बादी का आगाज हो गया। रुके रहना, सेल्जुक के सुल्तान अलाउद्दीन का पहला वजीर अपने अंजाम को पहुंचा। ख्वारज्म शाह का सालार, सुल्तान का सबसे अहम आदमी उमर। अब तमाम मुसलमान रियासतों में इंतकाम की आग खूब भड़केगी और ईसाइत को उरूज मिलेगा। बिसोल मेरे भाई, किसने मारा इसे? कैदियों के काफिले पर हमला हुआ था। हमला किसने किया था? काई कबीले ने, मगर इसे किसने मारा ये नहीं मालूम। अर्तुरुल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे मालूम नहीं था भाई। कैसे नहीं मालूम था? तुम्हें कबीले का तो ख्याल करना चाहिए था। तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं है, ना बाबा की ना कबीले की। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? हाँ, पीछे हट जाते, मजलूम पर जुल्म होने देते? बताइए, मुझे मालूम है कि गुंदोगदू ना इंसाफी नहीं कर सकता। मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो जुल्म और जबर के सामने हथियार नहीं फेंक सकता। ना इंसाफी, जुल्म, कौन सी ना इंसाफी? हाँ, कौन सा जुल्म? हमारा कबीला किस हाल में है, क्या ये सब नजर नहीं आता तुम्हें? मवेशी मर रहे हैं, बारिश के आसार नहीं है, कहर बढ़ता जा रहा है, हमें मुश्किलात ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और तुम कहते हो इंसाफ करें।
अकल इस्तेमाल करो अपनी, अकल इस्तेमाल करो, अपने इर्द गिर्द देखो। तुमने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी है। तुम्हें अगर अपना ख्याल नहीं तो इन मासूम लोगों का ही ख्याल कर लेते कम से कम। सब तबाह हो जाएगा, नस्लें तबाह हो जाएंगी अर्तुरुल, नस्लें। मुझे माफ कर दें बाबा, इसको बचा नहीं सका मैं, अपने भाई को नहीं बचा सका, नहीं बचा सका मैं। दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है अक्तुल केली। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है, यही भूल है उसकी। लेकिन करे भी तो क्या, आखिर किससे उम्मीद लगाए? कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि यह सब कुछ बेमानी और फना हो जाने वाला है। कैदी वापस ना किए तो जालिम सर काट देगा, और अगर बात मान लें तो जिंदगियां बच जाएंगी। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोजे हश्र क्या उज्र होगा हमारे पास? बताओ अक्तुल केली। कारा तोयगर बहुत जालिम है, वो इन कैदियों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हलब जाने का अच्छा फैसला है, हर कोई तुम्हारी जहानत से मुतासिर है। वक्त आने पर तुम बेहतरीन वली अहद साबित होगी। कारा तोयगर से हमें हर सूरत में जान छुड़ानी होगी। बाबा जो कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। क्या किया अर्तुरुल ने, मुश्किल खड़ी कर दी हमारे लिए। हमें बाबा को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मान जाएंगे तो अर्तुरुल भी मान जाएगा। क्या जानते नहीं हो तुम अपने बाबा को? वो अपना फैसला कभी नहीं बदलते। फिर क्या करना चाहिए हमें? तुम्हारे बाबा ने मुझे कारा तोयगर से बात करने का हुक्म दिया है। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बाबा ठीक हो जाए, हम चले जाएंगे फौरन यहां से। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता हम किसी जालिम का साथ दें कभी। तुम्हारे कत्ल का बदला लेने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दूंगा, उन सबको अंजाम तक पहुंचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें मुझसे छीना है। ये वादा करता हूं मैं तुमसे। तुर्कों को तुम्हारी मौत बहुत महंगी पड़ेगी। अर्तुरुल साहब, वक्त है आपके पास? हाँ बिल्कुल, कहीं क्या हुआ? वो दरअसल मुझे बात करनी है आपसे। कहिए, सुन रहा हूं। कारा तो घर आया था कल, हमें मांग रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से ये बेगुनाह लोग मुश्किल में आ जाएं। बाबा ठीक हो जाएं, हम चले जाएंगे फौरन यहां से। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता हम किसी जालिम का साथ दें कभी। कारा तोयगर बहुत जालिम है, उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा। परेशान मत हो आप,
जिसने जिम्मेदारी दी है वो इसे पूरा करने की ताकत भी देगा। खैरियत? बहुत रंजीदा हूं मैं। आओ बैठो यहां। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मगर दिल पर बोझ है मेरे, मुश्किल खड़ी कर दी मैंने। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर मेरे लोग तो बेकसूर हैं। तुमने तो सिर्फ फर्ज पूरा किया है अपना मेरे बेटे, तुम्हारे इल्म में नहीं था ये कि ऐसा हो जाएगा। और तुम किन लोगों के खिलाफ जा रहे हो तुम्हें इस बात का भी इल्म नहीं था। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा कभी भी किसी मजलूम पे ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है वालिदा। तुमने बिल्कुल ठीक किया, दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त किस मोड़ पे ले आई ये जानना किसी के बस में नहीं। किस्मत के लिखे को कभी कोई अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता, यही हकीकत है। हमें तस्लीम करना पड़ेगा। अब जबकि इस आग में ना चाहते हुए भी कूद ही चुके हैं, तो इस लड़ाई में मजबूती से लड़ना है। हमें एक दूसरे की हिम्मत बांधनी है ताकि हमारी ताकत से दुश्मन की नींदें उड़ी रहें। यह अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में तुम्हें शिकस्त भी हो सकती है और फतह भी। अपने हौसले को बुलंद रखना होगा। तुम्हें किसी की भी बातों पर कान धरने की जरूरत नहीं है। एक जंगजू की तरह सोचना होगा तुम्हें। अपने बाबा के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहो। अल्लाह आपका और बाबा का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर रहे। ये पानी ले जाकर अपने बाबा के सरहाने रख दो। पानी लाया हूं आपके लिए बाबा। दे दो मुझे।
काश मैं वहां मौजूद होता भाई। तुम्हारे कत्ल का बदला लेने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दूंगा। उन सबको अंजाम तक पहुंचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें मुझसे छीना है, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। ये वादा करता हूं मैं तुमसे, तुर्कों को तुम्हारी मौत बहुत महंगी पड़ेगी। मैं उनके लिए कहर बन जाऊंगा और मेरे कहर से कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं दुश्मन को चैन से नहीं बैठने दूंगा, वादा है मेरा तुमसे। माफ कर दे मुझे बाबा। खुदावंद तुमको सब्र दे। इलियास, खुदा करे ये ख्वाब ही हो। मुझे इसकी ताबीर से खौफ आ रहा है। मुझे इस ख्वाब से आग और खून की बू आ रही है। मेरे इल्म के मुताबिक इस ख्वाब की दो ताबीरें हो सकती हैं, एक मुश्किल वक्त का इशारा और दूसरी यह कि आपको जानशीन किसे चुनना है अपना। अपने सिपाही तैयार करो, तुम्हें बाबा की जगह बैठना होगा, याद रखना। नाम बता दो उस आदमी का जिसने हमला किया। मैं तुम्हें पाने की उम्मीद लेकर जा रहा हूं हलीमा। तुम्हारा सफर आसान हो अर्दुरुल। तुम्हारे इस बेशकीमत एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं। ये बात। नाम। Thank you.